हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Xiaomi .U के 20.7.2, जो कि यहाँ पे गोकू पोर्ट्स का न्यू पोर्ट आ चुका है, जो कि लास्ट आया था 20.6.11 का, और यहाँ पे लेटेस्ट आ चुका है। तो 20.7.2 में तो फीचर्स वैसे ऐड नहीं किए गए कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे जो है इसका 20.6.11 से जो यहाँ तक अपडेट नहीं आया, तो इसमें तो काफ़ी सारे फीचर्स बीच में ऐड कर दिए गए थे, तो यहाँ पे सारे फीचर जो है ऐड किए गए, तो उन सबके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, और बग कौन से मिलते हैं वो भी बात करेंगे, और परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलती है पहले से भी, और काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है यहाँ पे, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ साथ हमारी सारी अपडेट्स से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो ले, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं माई डिवाइस के अंदर ऑल स्पेक्स में। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 10 हमें देखने को मिलता है, और सिक्योरिटी पैच 1 जून 2020 की देखने को मिलने वाली है। वर्जन MIUI 12.1 Xiaomi .U प्रीतिश 20.7.2 बीटा, तो यहाँ प्रीतिश दिया हुआ है, लेकिन है ये गोकू पोर्ट का है, तो शायद आगे नेम चेंज करने वाले, उसकी वजह से यहाँ से अभी से जो है अपडेट दे दिए। बाकी यहाँ पे पांडा कर्नल में देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल सेंटर है, आप देख सकते हो तो काफ़ी स्मूथ आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलने वाली, काफ़ी स्मूथनेस मिलने वाला है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, जो कि पहले से भी बेटर है आपको मिल जाता है। वॉल्यूम पैनल आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और काफ़ी तरीके से काम कर रहा। पावर मेन्यू की बात करें तो ऐसे नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन आप डेवलपर ऑप्शन में जा करके एक्सटेंडेड जो कि हमारा यहाँ पे पावर मेन्यू, उसको आप इनेबल करके यहाँ पे जो है यूज़ कर पाओगे रिकवरी इन फास्ट मोड। एंड बात करते हैं यहाँ पे रीसेंट की, तो रीसेंट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी स्मूथनेस बिल्कुल आपको मिलने वाली है, और साथ साथ रैम मैनेजमेंट भी बाकी पोर्ट रोम से आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर मिलता है। और कॉलिंग की बात करें तो वोल्टी हमारी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, और साथ साथ यहाँ पे वीडियो कॉलिंग भी बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर पाओगे, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहा है। और गैलरी के अंदर आपको सारे लेटेस्ट फीचर मिल जाते हैं, फिल्टर्स हो गया या फिर आपका स्काई हो गया, ये सब आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो कि है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। गैलरी जो है आपकी लेटेस्ट मिलती है, और साथ साथ यहाँ पे फ्री है स्पेस का एनिमेशन भी बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही देखने को मिलता है। बाकी प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर आपका नॉट सर्टिफाइड रहेगा, तो बस आपको करना क्या है यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैजिक का जो है मैजिक मैनेजर का 20.3 प्लस कर लेना है रिकवरी से, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करोगे तो सेफ्टी नेट आपको मिल जाए यहाँ पे, तो मिल जाएगा इसमें। तो मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 20.3 का, इसको प्लस कर लेना, सेफ्टी नेट मिल जाता है। यहाँ पे प्ले स्टोर के ऐप इन्फो में जा करके इसका क्लियर ओल्ड डाटा यहाँ से आपको कर देना सिंपली इस तरीके से, और उसके बाद थोड़ी देर वेट करके 1 से 2 बार जब प्ले स्टोर अपना ओपन करोगे उसके बाद आप देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे टूल्स के अंदर, तो टूल्स के अंदर एक बग देखने को मिलता है जो कि आपका FM में है, तो इस अपडेट में आपको FM में बग देखने को मिलने वाला है, जो कि FM यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। ईयरफोन लगाने के बाद भी मैं ट्राई किया लेकिन काम नहीं कर रहा था, इस अपडेट में जो है FM में आपको बग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंटरनल साउंड हमारी बिल्कुल ऐसे तरीके से रिकॉर्ड हो रही है, और FPS 30 FPS तक का देखने को मिल जाता है। MIUI का कैमरा डिफॉल्ट जो कि हमें मिलता है, तो इसमें पोर्ट्रेट मोड आप फ्रंट बैक दोनों ही बिल्कुल ऐसे तरीके से क्लिक कर पाओगे वाटरमार्क के साथ, तो कोई भी दिक्कत इसमें देखने को हमें नहीं मिलती है। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो हम यहाँ पे वीडियो क्वालिटी भी आपको दिखा देते हैं, तो वीडियो क्वालिटी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो है 1080 60 FPS तक की देखने को मिल जाती है। और GCam की बात करें तो GCam आप बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाओगे, TR कैमरा का जो कि वर्जन 7 है उसको भी आप बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाओगे। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा असिस्टेंट मिल जाता है, एंड जो कि हमारा हेल्थ के लिए एप्लीकेशन है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है, और GPay हमारा वर्किंग है बिल्कुल इसी तरीके से। और मूवी क्विक की बात करें तो यहाँ पे मूवी क्विक काम नहीं करता, तो वही है कुछ बैंकिंग ऐप काम करते हैं कुछ नहीं काम करते, आप परमिशन देके पहले ट्राई कर लेना, नहीं तो मैजिक से हाइड करके जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा जो बैंकिंग ऐप आपके काम नहीं करते हैं। तो एंड 3 फिंगर होल्ड स्क्रीनशॉट हमें मिल ही जाता है, बाकी यानी इंस्टॉल एनिमेशन लेटेस्ट ही मिलने वाला है। एंड यहाँ पे बात करें कास्ट की, तो कास्ट जो है सम डिवाइस पे काम करता है, सम डिवाइस पे काम नहीं करता थी इस तरीके से फिलहाल अभी। एंड यहाँ पे लॉक स्क्रीन में डबल टैप टू बैक मिल जाता है, बाकी यहाँ पे सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं, चार्जिंग एनिमेशन हमें मिल जाता है तीनों यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों एनिमेशन मिल जाता है। एंड नीचे आपको पॉकेट मोड मिल जाता है। और बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर रेडी मोड हो गया, डार्क मोड हो गया, हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। एंड नीचे कंट्रोल सेंटर के अंदर चलते थे, यहाँ पे भी लेटेस्ट देखने को मिलने वाला है बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी अपना जो है इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे कंट्रोल सेंटर को, तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी स्टेटस बार में आपको यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है। बाकी नीचे आपको नॉच का ऑप्शन देखने को मिलने वाला था, लेटेस्ट सारा है सिस्टम जो कि चेंज किया गया उस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। और ऑटो रोटेट जो है काम कर रहा है,
साउंड के अंदर अगर देखो तो साउंड के अंदर फिलहाल कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। प्रोफाइल वीडियो एडिशनल सेटिंग्स मिल जाता है, यहाँ पे हमें साउंड इफेक्ट जो है देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं नोटिफिकेशन में, तो फिलहाल कुछ भी चेंजेस नहीं है। एंड होम स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाता है लेटेस्ट जो कि विद ऐप ड्रॉयर मिलता है, और यहाँ पे भी आपको जो है सर्च बार जो है ऐड कर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गूगल का भी सर्च बार हमें मिल जाता है, और बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। जो भी बीच में लेटेस्ट अपडेट फीचर्स आए हैं सारे ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पे। वॉलपेपर में देखोगे तो MIUI 12 के सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं, सुपर वॉलपेपर मिलता है। बस दोनों का APK आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोकेशन दोनों में ही बिल्कुल इसी तरीके से ऐड कर पाओगे और यूज़ भी कर पाओगे, और बिल्कुल इसी तरीके से जो है ये अप्लाई भी हो जाते हैं, तो आप जो है सुपर वॉलपेपर भी यूज़ कर पाओगे। और साथ साथ यहाँ पे फाइंड मोर का जो पॉपअप है लेटेस्ट में दिया गया वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और साथ साथ थीम्स के अंदर चलते थे, यहाँ पे थीम्स आपको 4 थीम्स देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे भी अगर बैक करते थे यहाँ पे जो ब्राउज करना पड़ता था, अब यहाँ पे भी पॉपअप फाइंड मोर का देखने को मिल जाता है और थीम स्टोर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और माई अकाउंट के अंदर अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा फॉन्ट में डार्क मोड इनेबल करने के बाद जो है इनविजिबल हो जाता था वो भी फिक्स है यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से। एंड थीम कंपोनेंट्स की बात करें तो बूट एनिमेशन, बूट ऑडियो मिल जाता है। थीम लैब के अंदर चलते हैं तो ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर एंड वॉलपेपर साइड्स देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट हो गया एंड फेस अनलॉक दोनों ही बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। एंड बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी जो है हमारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी, आपको काफ़ी इंप्रूव भी पहले से बेटर मिल जाता है। एंड बात करते हैं ऐप्स की, तो ऐप्स के अंदर आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, डुअल ऐप में मिल जाता है जो कि बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है, तो आप इसका भी यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे। एंड एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो लैंग्वेज इनपुट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लैंग्वेज जो है देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेज हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारी लैंग्वेज मिल जाती है। और बाकी फुल स्क्रीन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्मूथ जिसे कहते हैं उस तरीके से बिल्कुल काम कर रहा है यहाँ पे। और साथ साथ आपको गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड से जो है स्वाइप अप आपको करना है तो जो है एक्टिवेट हो जाता है, तो इस तरीके से जो है यूज़ कर पाओगे। बाकी यहाँ पे बटन्स की बात करें तो ये भी जो है काफ़ी स्मूथ है और पहले से काफ़ी स्मूथ आपको रोम मिल जाता है। वैसे भी काफ़ी स्मूथ रोम पहले भी था, लेकिन यहाँ पे आपको और भी बेटर स्मूथनेस मिल जाती है। एंड नोटिफिकेशन लाइट वर्किंग है, क्विक बॉल मिल जाता है, एक्सेसिबिलिटी एंड डेवलपर ऑप्शन आपको MIUI पे टैप करके इनेबल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे स्क्रीन टाइम हमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फोकस मोड भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं स्पेशल फीचर्स की, तो गेम टर्बो मिल जाता है, वीडियो टूल बॉक्स का जो बग्स था वो भी फिक्स कर दिया गया, बाकी फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, MIUI 11 एंड लाइट मोड देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बैक करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली जो अकाउंट सेटिंग मिलता है। एंड बात करते हैं N22 बेंचमार्क स्कोर की, तो 158,018 हमें यहाँ पे N22 बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं गेम टर्बो की, तो गेम टर्बो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे भी अगर आप यूज़ करते हो फ्लोटिंग विंडो को तो काफ़ी स्मूथ रहता है, कोई भी लैग देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो तो बिल्कुल स्मूथ आपको जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाती है इसकी भी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एंड ग्राफिक की अगर हम बात करें तो ग्राफिक जो है आपको यहाँ पे HD का सपोर्ट मिल जाता था, हम फिलहाल स्मूथ पे और हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस की, पबजी की परफॉर्मेंस की, तो पबजी की परफॉर्मेंस जो है पहले से आपको बेटर मिलने वाली यहाँ पे। तो जैसा कि ये काफ़ी टाइम बाद करीब 1 मंथ या 1.5 मंथ के करीब आया ही अपडेट, इतना टाइम के बाद आया है, और यहाँ पे लास्ट इसका जो अपडेट था 20.6.11 था और यहाँ पे 20.7.2 आ गया है लेटेस्ट अपडेट, जो कि इतने टाइम के बाद। तो बीच में जितने भी फीचर्स ऐड किए गए थे वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और पहले से बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। जैसे कि इसका शुरू के जो पहले अपडेट थे उतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इसमें होना स्टार्ट हुआ कि अभी MIUI के पोर्ट रोम्स में आपको बेस्ट पोर्ट रोम ये मिलेगा जो कि गोकू पोर्ट का है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इस रोम में। इसी वजह से इस रोम को काफ़ी लोग चाहते हैं, काफ़ी वेट भी कर रहे थे, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते थे कब आएगा, लेकिन आखिरकार आ गया ये, और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाएंगे बिल्कुल ऐसे तरीके से। बस एक बग आपको इग्नोर करना पड़ेगा जो है FM का, बाकी ऐसे नॉर्मली छोटे मोटे बग्स तो ऐसा कुछ फिलहाल ऐसे कुछ देखने को नहीं मिला है। जो भी है अच्छी तरीके से काम कर रहा, परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, रैम मैनेजमेंट भी बाकी रोम के मुकाबले काफ़ी इंप्रूव यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर कुछ मिस हुआ है ऐसे तो 20.7.2 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया ही नहीं गया है, जो है इंप्रूवमेंट ही हुई उसमें। बाकी यहाँ पे जो है पुराने अपडेट से अभी तक जो भी फीचर्स ऐड किए वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इंस्टॉल वही ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, वही डॉल्बी सिस्टम, डेटा वेंडर, कैच, इन सबको वाइप करके रोम फ्लश करके रिबूट कर सकते हो बिल्कुल। बस यही सारी चीज़ थी यहाँ पे, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो लो, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी जो भी है। और अगर आप कुछ छूटा है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। यही सारी चीज़ थी इस वीडियो में,
और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।